एक ना प्रिंसेस होती है, ठीक है। तो उसके ना मामा उसको ना हर वक्त कहती रहती है, प्रिंसेस प्रिंसेस आप एक प्रिंसेस हो तो आपको गुड बेबी बनना चाहिए। कहती है मामा हर वक्त आप मुझे, अच्छा तो कहती है मामा आप हर वक्त मुझे यही कहती रहती हैं क्या प्रिंसेस तो अच्छी होती है ना, तो वो अच्छी गंदी इसमें नहीं, प्रिंसेस होती है ना। अच्छी इसमें है ना जिसमें अच्छी प्रिंसेस होती है। अच्छा एक प्रिंसेस होती है, उसका नाम होता है प्रिंसेस एनी। एनी नहीं, सिंड्रेला। सिंड्रेला, सिंड्रेला और होती है गंदू। अच्छा ये मैं सुना रही हूँ कि आप सुना रही हो? चले सुनाओ फिर। तो ना वो कहती है मेरा नाम है प्रिंसेस एनी। उसकी मामा कहती है बेटा हर वक्त आप इसी तरह से करती रहती हो, कभी स्टडी की तरफ भी ध्यान दे दिया करो। कहती है मामा आप ना हर वक्त मुझे कहती रहती हैं पढ़ो पढ़ो, आपके सामने मैं पढ़ती तो हूँ और मेरी पोजीशन भी आती है। अच्छा ना वो कहती है मेरी पोजीशन भी आती है, तो मामा आप हर वक्त मुझे यही कहती रहती हैं। उसकी मामा कहती हैं बेटा जो बच्चे पढ़ते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं तो उनकी ज़्यादा पोजीशन आती है और उन्हीं के ज़्यादा नंबर आते हैं। कहती है मामा इतना तो पढ़ती हूँ और मेरी पोजीशन भी आती है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मामा कहती हैं बेटा आजकल मैं देख रही हूँ आप ना कोरोना वायरस की वजह से ना छुट्टियाँ आई हैं स्कूल से, तो आप ज़रा नहीं पढ़ रही, आप तवज्जो नहीं दे रही अपनी स्टडी पे। कहती है अच्छा मामा दूंगी कोरोना वायरस की वजह, वैसे वो स्टडी में बड़ी अच्छी होती है तो ना, हाँ लेकिन कोरोना वायरस की वजह से स्कूल में पता जिस तरह आप लोगों को छुट्टियाँ आई हैं ना ऐसे उसको भी छुट्टियाँ आई होती हैं ना, और बच्चे स्कूल नहीं ना जाते हैं, ना स्कूल जाते हैं ना वो जाते मुझे हैं। पता है, अब आगे सुना। ये देखो आप सामने से क्या निकले। अच्छा आगे सुना। तो ना उसकी मामा कहती हैं बेटा पढ़ोगी तो अच्छी बेबी बनोगी ना। कहती है मामा मैं ना अच्छा बेबी, मैं अच्छी बेबी ही हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहती हैं अच्छा जब स्कूल लगेगा ना तो फिर आपको पता चलेगा। और ना उसकी टीचर का ना मैसेज आ जाता है कि हम बच्चों के ना पेपर्स ले रहे हैं ऑनलाइन। तो उसकी मामा उसको कहती हैं कि ना ऑनलाइन ना पेपर लेने लगे हैं वो लोग और आपको तो एक लफ्ज़ नहीं आता। कहती है अच्छा मामा पढ़ लूँगी, अभी कौन सा पेपर हो रहे हैं? उसकी मामा कहती हैं बेटा नहीं हो रहे हैं। तो कहती है अच्छा मामा, तो ना 2 दिन रह जाते हैं पेपर में। उसकी मामा कहती हैं बेटा अभी पढ़ लो कुछ नहीं तो आपके नंबर जो है ना वो बड़े कम आएंगे। कहती है टीचर मुझे नहीं पता मामा, मुझे नहीं पता हर वक्त आप यही कहती रहती हैं, अभी तो 2 दिन पढ़े हुए हैं ना। तो उसकी मामा फिर चुप कर जाती हैं क्योंकि वो बात नहीं ना मानती है ना, जो बच्चा बात ना ना माने तो फिर क्या उसका नाम है, इसको कैमरे के सामने बैठाएं। तो कहती है अपनी मामा की तरफ देख के कहती है मामा मुझे तो कुछ भी नहीं आता। उसकी मामा चुप कर जाती हैं, टीचर उससे इतने क्वेश्चन पूछती हैं लेकिन उसको कोई जवाब ही नहीं आता क्योंकि उसने पढ़ा नहीं होता। टीचर कहती हैं आपने पेपर इसके दौरान पढ़ा नहीं है, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी देते रहे हैं और हम ऑनलाइन वो भी देते रहे हैं काम भी देते रहे हैं, तो आपने पढ़ा नहीं है। तो आगे से ना खामोश हो जाती है क्योंकि उसकी गलती होती है, उसकी मामा ने तो कहा होता है उसको कितनी दफ़ा पढ़ लो पढ़ लो। तो उसकी टीचर फिर ना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हैं, ऑब्जेक्टिव पूछती हैं, मतलब वो जो फिलिंग द ब्लैंक्स होती हैं ना वो भी पूछती हैं। तो कहती है मुझे तो नहीं टीचर मुझे नहीं आता, और इतनी ना वो बेचारी एम्बेरस भी होती है, उसको ना बड़ी शर्मिंदगी होती है क्योंकि वो तो क्लास में एक गुड बेबी होती है ना, लेकिन अब वो उसको जब कुछ आता ही नहीं है, जब कुछ आएगा ही नहीं तो वो क्या टीचर को क्या सुनाएगी, जबकि उसमें गलती किसकी थी ना, उसकी थी ना। हाँ उसकी मामा तो उसको कहती नहीं थी कि कर लो बेटा कर लो, लेकिन वो नहीं बाज आई। उसकी टीचर कहती हैं आप ना अब आपको ना कुछ दिन बाद ना रिजल्ट पता चल जाएगा आपका क्या रिजल्ट है। कहती है अच्छा टीचर। तो ना वो जब कैमरा बंद करके आती है तो कहती है मामा आपसे ये कहती थी मुझे पढ़ लेना चाहिए था। उसकी टीचर का मैसेज उसके स्कूल से मैसेज आता है कि ये जो हम एग्ज़ाम्स ले रहे हैं ना इसके नंबर जो है ना जो फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे ना उसमें काउंट हो के तो फिर पोजीशन आएगी, तो आपने अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी आप लोगों को करवानी चाहिए थी, लेकिन मोस्टली बच्चों ने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। उसकी मामा कहती हैं बेटा देख लो अब मुझे, तो ना चुप कर जाती है।
फिर उसके स्कूल लग जाते हैं तो क्लासेस लगनी शुरू हो जाती हैं, फिर वो पढ़ाई करना शुरू कर देती है, फिर सीरियस हो जाती है स्टडी में ना। तो जब सीरियस हो जाती है ना स्टडी में, तो उसकी ना वो जो है ना क्या क्या जो ना मुझे एक मिनट लगी यहाँ भूई लगी थी ना। अच्छा वो उसकी टीचर कहती हैं कि ना प्रिंसेस आपने इसके दौरान छुट्टियों के दौरान नहीं पढ़ा, तो आगे से चुप कर जाती है। वो कहती है मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आपने कुछ नहीं पढ़ा? तो कहती है जी टीचर मैंने कुछ नहीं पढ़ा। उसकी टीचर कहती है बेटा आप तो क्लास की एक अच्छी स्टूडेंट हो, तो आपने क्यों नहीं पढ़ा? कहती है टीचर मेरी मामा कहती रही थी लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, मेरी गलती है ये। तो फिर फाइनल एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, उसके बड़े अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं ना उसकी, वो बड़ी ज़्यादा मेहनत करती है। तो जब रिज़ल्ट आता है तो उसकी अपनी क्लास में कोई पोजीशन नहीं आती। तो उसकी ना मामा जाती हैं स्कूल, उसकी मामा स्कूल जाके कहती हैं कि ना इसके तो इतने अच्छे एग्ज़ाम्स हुए हैं तो इसकी पोजीशन क्यों नहीं आई? उसकी टीचर कहती हैं आप ठीक कह रही हैं, आपकी बेटी के एग्ज़ाम्स, आपकी बेटी ने एग्ज़ाम दिया है, बहुत अच्छे इसके मार्क्स आए हैं, इवन कि एक नंबर भी इसका कम नहीं आया, लेकिन जो आपने इसके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दिलवाए थे ना उसमें आपकी बेटी का ज़ीरो आया। उसकी मामा इतनी बेचारी परेशान होती हैं, वो कहती हैं आपको, आप लोगों को कहा था ना कि इसके नंबर जो है ना एग्रीगेट होने हैं, जमा होने हैं, तो फिर एग्रीगेट हो के तो फिर आगे पोजीशन बननी है। अब कितने बच्चे हैं जिन्होंने उसमें ऑनलाइन में पढ़ा था और उनकी अच्छी पोजीशन आ गई, उनके ये नंबर काउंट हो गए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम आपकी बेटी को ज़्यादा फेवर नहीं दे सकते। तो उसकी ना मामा पे चुप कर जाती हैं क्योंकि उनकी बेटी की गलती होती है, घर जाती है तो कहती है मामा मेरी पोजीशन आई है ना। उसकी मामा चुप कर जाती हैं, कहती है मामा बोल नहीं रही मेरी पोजीशन आई है ना। उसकी मामा कहती हैं बेटा आपकी कोई पोजीशन नहीं आई। कहती है क्यों मामा, मेरे तो इतने अच्छे, मैंने एग्ज़ाम इतना अच्छा दिया है, मुझे तो लग रहा है मेरे एक नंबर भी नहीं कम आया होगा। वो कह रही है बेटा आप सही कह रही हैं, इस एग्ज़ाम में तो आप, इस टाइम में तो आपको कोई नंबर कम नहीं आया, लेकिन वो जो आपने पुराने एग्ज़ाम दिया है ना जिसमें ऑनलाइन पढ़ना था वो आपने पढ़ा ही नहीं, तो ना पढ़ने की वजह से ना। यार इधर आके इसकी ज़रा डैंडर दिखाइएगा, ये क्या मामा? उसमें आपने ना पढ़ा ही नहीं, तो वो पढ़ने ना पढ़ने की वजह से ना आपने बिल्कुल नहीं ना पढ़ा, जिसकी वजह से आपके कोई मार्क्स नहीं आए और ज़ीरो मार्क्स आए हैं उसमें। कहती है मामा, हाँ। वो कहती हैं आपकी क्लास के कितने बच्चे हैं जो कि जिन्होंने ऑनलाइन में अच्छा एग्ज़ाम्स दिया था तो उनके अच्छे मार्क्स आ गए और जिसकी वजह से उनकी पोजीशन आ गई। तो ना कहती है मामा ये तो बहुत बुरा हुआ। उसकी मामा कहती है बेटा इसी वजह से जो है ना हमें चाहिए कि हम अपने बेबीज को ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करवाएं। वो कहती है मामा तो उसी क्लास में रहती है? नहीं नहीं आगे भेज देते हैं ना उसके, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं ना जिनके वो उसमें ज़ीरो मार्क्स आते हैं लेकिन अगले मार्क्स जो हैं वो उसमें एग्रीगेट हो जाते हैं ना, जमा हो जाते हैं ना नेक्स्ट टर्म में। तो इससे जो है ना हमने क्या लेसन लर्न किया, नहीं करनी चाहिए। हाँ, और किसकी बात माननी चाहिए? मामा। चाहे आपकी छुट्टियाँ भी हों आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए ताकि आपकी पोजिशन ना डाउन हो। अगर ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे, टीचर भी खुश हो जाएंगी और मामा भी खुश होएंगी। मामा? हाँ मामा भी खुश होती है ना। कर दे, बस ये आयलिंग कर रही हूँ, पसीना आ रहा है। अच्छा बस ये आयलिंग कर रही हूँ मेरी बेबी, मैंने आपको ये देख ले, अभी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, अभी आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर रही। मामा कमर में भी थक गई। अच्छा ना, ये बस आपको थोड़ी सी करके ना, जो बच्चे नहीं ना कराते आईलिंग, आपने देखा था ना वो अब्रिश की मामा कह रही थी कि अब्रिश ना वहाँ जाके ना हाथ नहीं थी आती, ना बाल जो है वो सही वॉश करवाती थी और ना ही जनाब वो बात मानती थी, हर वक्त गंदी मंदी रहती थी और रेत में, रेत और मिट्टी में खेलती रहती थी, जिसकी वजह से उसके बालों की कोई केयर नहीं की गई और उसके बाल क्या हो गए है ना, आपको बताया था ना मैंने क्या हो गया उसके बाल, डैमेज। उसके बाल सिल्की थे पहले, हाँ उसके बाल बड़े प्यारे थे, मैंने खुद देखे हैं। उसकी मामा तो उसको कहती थी लेकिन वो कहती थी मैंने नहीं करवाने, मैंने नहीं करवाने, ऐसे करके ना बात करती थी। तो उसकी मामा कहती थी बेटा करवा लो,
और लेकिन अब उसके बाल, उसकी मामा उस दिन कंप्लेन कर रही थी कि ये ना बाल नहीं सही तरीके से ना बनवाती, तो आगे इसके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। तो कह रही थी अच्छा मामा बनवा लेती हूँ। वो कह रही हैं जाइना के आप कुकिंग करती हैं? मैंने कहा हाँ जी मेरी बेटी तो मेरे से वो करवाती है सारे वो बालों को, वो डैंड्रफ वाली जगह पे भी लगवाती है और वो भी करवाती है, ऑयल भी लगवाती है। ऑयल? हाँ ऑयल भी लगवाती है मेरी बेटी। मम्मा ऑयल में क्या होता है? ऑयल जो होता है ना, जिस तरह हमें खाने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है ना, इस तरह ऑयल जो होता है ना, ये सरसों का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जो होता है, ये बालों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। और अच्छा भी? बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे बाल बहुत हेल्दी होते हैं। मैं जो छोटे होते यही लगाते थे और मेरे बाल इतने लंबे थे, पता है आपको? तो फिर लंबे क्यों नहीं करने देते थे वो? कौन मुझे? अपनी नानों को रखती थी। तो मेरे लंबे थे, मैंने तो सहमत में जाके कटवाए हैं। हाँ मैंने कब कटवाए थे? मैंने तो कितने मामा जब हम नहीं जब पैदा हुआ तो आपके कितने कितने बाल थे जब आप पैदा नहीं थे? हाँ तो मेरे बाल आते थे मेरी लेग्स के नजदीक थे। नहीं इतने इतने थे, इतने थे। मैं भी चाहती हूँ मेरे ना इतने इतने हो। लेकिन उसमें मैं कह रही हूँ कि आप थोड़ी बड़ी हो जाओ ना, अपने बाल जो है ना वो खुद संभालोगी ना, तो उससे सही होगा, फिर आप अपने बालों को खुद से मैनेज करोगी। इस तरह तो आप कभी कभी मेरे हाथ ही नहीं आती, मैं आपको कहती रहती हूँ जाइना जाइना मेरे से ऑयलिंग करवा लें, जाइना मेरे से ऑयलिंग करवा लें, लेकिन आप कहती हूँ ऑयलिंग तो नहीं करती पर पोनी तो करती हूँ ना। वो भी मुझे आपको कह कह के करवाना पड़ती है। नहीं जब मैं कहती हूँ तब नहीं आप मानती, जब आप कहती हैं तो मैं नहीं मानती। बेबी मैं सम टाइम बिजी होती हूँ ना। अच्छा आपको पता है ना बाबा ने पता है खाना खाना होता है ना जल्दी जल्दी, तो मम्मा ने सफाई भी तो करनी होती है ना, और फिर साथ मम्मा ने खाना भी बनाना होता है। तब आप बड़ी हो जाओगी ना तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि मेरी बेटी जो है ना आप मुझे क्या क्या बना कर सिखाएंगी। जब बड़े होते जाते हैं ना तो फिर आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो खाना पीना आप सीख जाते हैं खुद ब खुद ही। हो गया बालों को मैं समेटू ना आप देखो मैंने ऑयलिंग की है ना। अच्छा अच्छा थोड़ी सी ताकि बुई कोई है तो निकल आए। ये देखो कुछ भी नहीं निकला, इधर हो यही तो कह रही हूँ। ये थे ना उधर उधर कहीं बच्चों के सर से ना आपको बुलाना आ गई हो अगर आप नहाने से पहले बालों को कर लें ना हाफ आवर बिफोर तो इससे ये होता है कि आपके बाल जो है बड़े स्मूथ हो जाते हैं और उनमें इसी से ये बड़ा हेल्दी होता है बालों के लिए। शाइन भी इसमें बहुत ज़्यादा इसमें होती है, शाइन भी होती है। ब्राउन जो है क्या? ब्राउन जो है ब्राउन बाल आपके लाइट ब्राउन ही तो हैं बेबी। लाइट ब्राउन ज़्यादा तो ब्लैक है ना।